हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वर्ष ने मीडियम पर डिमेरिट में एचयूडी सिविल इंजीनियरिंग, और आज मैं ट्रेडिशनल जो ब्रिक वर्क है उसमें मटेरियल की कैलकुलेशन के बारे में बात करूंगा मैं। तो जो हमने ब्रिक का साइज लिया है वो पिछली वीडियो में हमने लिया था 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर, और इस बार जो हमने ब्रिक का साइज लिया है वो 23 सेंटीमीटर बाई 11.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे हम ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए दोस्तों बोर्ड पर चलते हैं, और फिर इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से हम मटेरियल की कैलकुलेशन करते हैं फॉर द ब्रिक वर्क। तो आइए दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमने ट्रेडिशनल ब्रिक ली है, TRA DI, ट्रेडिशनल, दिस इज ब्रिक साइज। तो यहाँ पर जो हमने साइज लिया है वो कितना है हमारा, से 23 सेंटीमीटर बाई 11.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रेडिशनल जो ब्रिक है उसका साइज है। ठीक है, और इसमें मोर्टार थिकनेस बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ब्रिक साइज विथ मोर्टार वो हमारा कितना हो जाएगा, एक एक सेंटीमीटर से जोड़ दें, इट इज 24 सेंटीमीटर, इट विल कम 12.5 सेंटीमीटर एंड इट विल कम 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्रिक का साइज विद मोर्टार है वो हमारा इतना है, तो ब्रिक साइज विद मोर्टार वॉल्यूम कितना हो गया, ब्रिक साइज विद मोर्टार वॉल्यूम दैट इज 0.24 × 0.125 × 0.085, ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 0.24 × 0.125 × 0.085। ठीक है, तो इट हैज़ कम 2.55, ये यहाँ पर जो वॉल्यूम आया 2.55 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर। ठीक है, जो एक ब्रिक का जो हमारा विद मोर्टार वॉल्यूम आया दैट इज 2.55 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर। ठीक है, और जो हमारा ब्रिक वर्क का वॉल्यूम है हमने क्या लिया है, ब्रिक वर्क वॉल्यूम दैट इज हाउ मच, से इट इज 1 क्यूबिक मीटर, यानी टोटल जो हमने ब्रिक वर्क किया है वो केवल 1 घन मीटर किया है। अभी जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं फिलहाल 1 घन मीटर की कर रहा हूँ। ठीक है, तो ब्रिक वर्क का वॉल्यूम कितना है हमारा, 1 क्यूबिक मीटर, और इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ जाएंगी, फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होगी, 1 घन मीटर टोटल वर्क है, और वॉल्यूम कितना आ रहा है ब्रिक का, एक का 2.55 × 10³ - 3, हम 10³ को ऊपर ले जाएंगे, डिवाइड बाई 2.55, है ना। तो यहाँ पर हमारा 10³ का वैल्यू इट इज 1000 / 2.55। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी ब्रिक आ रही हैं 392 नंबर्स, ब्रिक्स कितनी है हमारी 392 नंबर्स। ठीक है, तो 392.15 है, तो हमने 392 नंबर्स हमने इसका मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 392 नंबर्स हैं और एक्चुअल में ब्रिक का साइज हमारा ये है, तो हमें ब्रिक का वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखें, ACTUL एक्चुअल BRICK ब्रिक वॉल्यूम बराबर कितना होगा, हमारी ब्रिक्स कितनी है 392, और एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है हमारा 0.23 × 0.115 × 0.075, हमने किस में बदल दिया है, हमने क्यूबिक मीटर में बदल दिया है। तो देखें, अगर हम करें यहाँ पर 392 × 0.23 × 0.115
इंटू 0.075, ठीक है। तो इससे जो इसका वॉल्यूम है ये हमारा आ गया यहाँ पर 0.78 क्यूबिक मीटर। कितना है हमारा? 0.78 क्यूबिक मीटर। तो मोर्टार वॉल्यूम कितना हो गया? MORTAR, मोर्टार का वॉल्यूम कितना हो गया? इट इज़ 1 क्यूबिक मीटर। तो हमारा ब्रिक वर्क है, चिनाई का काम, फिर मोर्टार है जिसमें ब्रिक का वॉल्यूम कितना रहा? 0.78। तो मोर्टार कितना हो गया? 1 माइनस 0.78, इट इज़ हाउ मच? 0.22 क्यूबिक मीटर। कितना है हमारा? 0.22 क्यूबिक मीटर। ये मीटर क्यूब है, ये यहाँ पर इस तरह से मैंने बड़ा बना दिया है, ठीक है। तो मोर्टार का जो वॉल्यूम है वो हमारा 0.22 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पर 10% हमने क्या लिया? 10% एक्स्ट्रा मोर्टार किसके लिए? फॉर फ्रॉग फिलिंग, फ्रॉग फिलिंग। तो 10% जो हमने इसके लिया तो कितना हो जाएगा? इट इज 10% ऑफ 0.22। तो इसका कितना आ जाएगा हमारा? 0.022 क्यूबिक मीटर। 0.022 हमारा क्या है? दिस इज क्यूबिक मीटर। ये वॉल्यूम किसका है? एक्स्ट्रा है। तो अब टोटल वॉल्यूम मोर्टार का कितना हो गया? यहीं कर लेते हैं, देखो कैलकुलेशन, फिर पिछले वाली कैलकुलेशन यहीं पर है इसी तरह से। यानी कि टोटल MORTAR मोर्टार वॉल्यूम बराबर 0.22 प्लस 0.022, तो यहीं पर कर लेते हैं हम। इट इज़ हाउ मच? 0.22 प्लस 0.022, सो इट इज़ 0.242, इट इज़ 0.242 क्यूबिक मीटर। यानी इतना वॉल्यूम हमें कैसा चाहिए? वो डेंसेट चाहिए, यानी पानी मिलाने के बाद और उसको फिनिश करने के बाद। तो ड्राई वॉल्यूम कितना है हमारा? ड्राई वॉल्यूम फॉर व्हाट? मोर्टार। यानी मोर्टार का ड्राई वॉल्यूम कितना होगा हमारा? इससे ज़्यादा ही होगा। कितना बताया था? 20% एक्स्ट्रा, यानी 1.2 इंटू 0.242। तो इसमें मैं 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधे आ गया आपका 0.29 क्यूबिक मीटर। यानी ड्राई वॉल्यूम कितना है हमारा? 0.29 क्यूबिक मीटर। अब सपोज करें मोर्टार रेशियो को चेंज कर लें हम थोड़ा सा। मोर्टार रेशियो सपोज करें वो हमारा कितना है? 1:5। अब क्या हमने कितना माना है? से इट इज 1:5, ठीक है। तो अगर हम इसको 1:5 कर लें मोर्टार, इसमें ये क्या है? ये हमारा क्या है? दिस इज सीमेंट रेशियो कोरसेंट, क्योंकि जो ब्रिक पर करते हैं वो कोरसेंट से करते हैं। सो दिस इज कोरसेंट का रेशियो, यही है ना। तो अब यहाँ सीमेंट कितना होगा? वही हमारी पहली कैलकुलेशन। सीमेंट बराबर कितना है हमारा? 0.29 मीटर क्यूब तो वॉल्यूम है, और यहाँ कितना है हमारा? 1 प्लस 5। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पिछली बार प्रोपोर्शन हमने 1:6 लिया था, अब क्या हमने 1:5 ले लिया है, ठीक है। तो 0.29 डिवाइड बाई 6, तो देखो 0.29 डिवाइड बाई 6 अगर हम कर लें तो ये आता है 0.048। कितना रहा है? 0.048 क्यूबिक मीटर। अब आपसे कहा जाए कि 0.048 क्यूबिक मीटर सीमेंट ले आएँ तो शायद आपको नहीं मिलेगा। तो इसको हम क्या करते हैं? 0.048 इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 0.048 इंटू 30 तो ये आ जाएगा हमारा, दिस इज़ 1.44 बैग। अब आपसे कह दिया जाए कि 1.44 बैग ले आओ तो आप नहीं ला सकते। दिस इज़ हाउ मच? 1 तो बैग हो गया प्लस 0.44 इंटू 50, 0.44 इंटू 50, तो 0.44 इंटू 50 अगर हम करते हैं तो इससे कितना आता है? 22 kg। तो यानी क्या है? दिस इज 1 बैग प्लस 22 kg। ये क्या मिल गया हमें? सीमेंट मिल गया, ठीक है। 1 बैग और 22 kg
अगर हम ले लें तो सीमेंट हमारा 1.44 बैग आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब कोर सैंड कितना चाहिए हमें, कोर सैंड हमारा कितना है, ये हमारा 0.048 है ना, उसका 5 टाइम्स कर दें, ए भाग कितना है 0.048, तो 5 पार्ट कितना होगा 0.048 × 5। यहाँ देखो 0.048 × 5, सो इट इज़ 0.24 क्यूबिक मीटर। कितना है हमारा, इट इज़ 0.24 क्यूबिक मीटर। तो इतना भी आप कोर सैंड ले सकते हैं, या हम इसको कर सकते हैं 0.24 × बताया था मैंने 35.28, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, इट विल कम इन क्यूबिक फीट, तो 35.28, इट इज 8.47, इट इज 8.47, दिस इज सी एफ टी, ये CUBIC क्यूबिक फिट। कितना चाहिए, 8.47 क्यूबिक फिट, और इसको हमें कुंटल में लेना चाहें तो 8.47 / 2.5। तो यहाँ पर अगर हम करें 8.47 और डिवाइड 2.5, तो ये आ रहा है हमारा से 3.4, इट इज़ हाउ मच, 3.4 QTS, QTS माने कुंटल। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो गई, किसी भी तरह के ब्रिक पर की अगर हम करें तो 3.4 कुंटल हम कोर सैंड ले लें, और 1 बैग प्लस 22 kg, दिस इज 1.44 बैग, इन दोनों का मिक्सचर बना लें तो हमारा सीमेंट मोर्टर बन जाएगा, उसमें पानी मिलाएं। और इसके बाद ब्रिक्स कितनी चाहिए हमें, 392, जिनका साइज़ क्या है हमारा, दैट इज़ 23 × 11.5 cm × 7.5 cm। इसको अगर हम इंच में बदलना चाहें तो हम इसको कर लेते हैं नॉर्मली 9 × 4.5 × 3.5 in, यानी कि 2 × 3/4 in, कई बार हम इसको 3 in भी कह देते हैं, दिस इज 3 in, यानी ये हमारा साइज भी है 9 × 4.5 in / 3 in। तो 9 × 4.5 in / 3 in या 23 cm × 11.5 cm × 7.5 cm। तो हमारा ब्रिक का साइज है ट्रेडिशनल, जिसका हम मार्केट में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हैं बहुत आसानी से आपकी समझ में आ गई, कि अगर 1 क्यूबिक मीटर हमें कहीं भी खास तौर से मैसनरी का वर्क करना है 1:5 के सीमेंट मोर्टार से, तो इस साइज़ की ब्रिक हम इतनी संख्या में ले लें, इतना सीमेंट ले लें, इतना कोर सैंड ले लें, और फिर हम उसकी मैसनरी करेंगे, चिनाई करेंगे, तो वो 1 घन मीटर मैसनरी आपकी बैठ जाएगी। तो इस तरह से हम ब्रिक पर की खास तौर से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से वीडियो को देखते रहें, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी कॉमेंट है तो आप मुझे आसानी से पोस्ट कर सकते हैं, चलेगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ थैंक यू।